हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बनाएंगे समोसे, जो है इंडिया के हर चटोरे की पसंद। तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट और परफेक्ट समोसे। इसके लिए हमने आधा किलो से ज़्यादा आलू लिए हैं, करीब 600 ग्राम होंगे। अदरक इसलिए है, मिर्ची बारीक काट ली है। मिर्ची आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद होगा तीखा। ये गरम मसाला है, जीरा, सौंफ को भूनकर पीस लिया है, तो ये सौंफ का पाउडर बन गया। अमचूर पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया बारीक पिसा हुआ। ये धनिया थोड़ी सी दरदरी पिसी हुई है, इसमें समोसे में डलती है तो अच्छा टेस्ट आता है। पिसी सौंफ ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालेंगे। और खड़ी धनिया भी ज़रूरी नहीं है, अगर ये भी पसंद हो तो डालें, नहीं तो नहीं डालेंगे। और तेल तलने के लिए, समोसे का मसाला बनाने के लिए आलू को मैश कर लेंगे और फिर तेल में मसाला फ्राई करेंगे। चलिए मसाला बनाते हैं। हमने लोहे की कढ़ाई लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। लोहे की कढ़ाई से कलर अच्छा आता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई लिया है। अब तेल गरम होने देंगे, गरम हो चुका है। अब इसमें जीरा डालेंगे, हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया था, 1.5 चम्मच जीरा डालेंगे। अब जीरा हो चुका है, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो गया है। अब इसमें अदरक डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। हरी धनिया जो निकाला था उसको भी 1 चम्मच डाल देंगे। तीन चम्मच धनिया पिसी हुई डालेंगे। दो चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, अगर खट्टा पसंद है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे आलू का कलर अच्छा आता है। अब इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये मिला लिए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, इसमें 3 छोटी चम्मच नमक लग जाएगा। अब इसको 10 मिनट पर कम से कम कलारेंगे। ये जितना अच्छे से कलर जाता है इसका पानी उतना ही सूख जाता है। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा तो समोसे नरम नहीं पड़ेंगे, बनने के बाद इनकी नमी खत्म हो जाएगी। इसमें 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ भी डाल देंगे कि हमने इसको मसाला कला लिया है। अब ये बन गया, इसमें धनिया बारीक कटी हुई मिला देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस बंद कर देंगे और ठंडा होने रख देंगे। ये हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, अब इनको अलग उठाकर रख देंगे। अब समोसे बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। हमने ये 2 कटोरी मैदा लिया है, अजवाइन लिए हैं, अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डाल देंगे, इससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 कटोरी मैदे में 2 टेबल स्पून तेल डल जाता है, ये मोयन के लिए डालेंगे। ये 2 कटोरी है तो 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे।
इसका सख्त डो बनाना है। मोयन इसलिए डालते हैं जिससे कि समोसे बहुत खस्ता जैसे बने, खुश्क रहे उसकी परत। आटा गूंथ लेते हैं, इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल लेंगे जिससे और खुश्क बनेंगे। इसको तेल डालकर थोड़ा सा पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऐसा हो जाता है, मतलब इसका मोयन अच्छा है। ये ऐसा करके देखना चाहिए, बिना पानी डाले पहले देख लेंगे। देखिए ऐसा मुट्ठी जैसा बन रहा है, मतलब मोयन अच्छा डाला हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंथेंगे। मेरे को सख्त डो बनाना है हमें। ये देखिए बिल्कुल सख्त लगा रहे हैं, इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे। इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। सख्त डो लगाने से समोसे में जो बबल्स आ जाते हैं वो नहीं आते हैं। अगर आटा गीला रहता है तो समोसे में बबल्स आ जाते हैं। ये देखिए आटा गूंथ चुका है, अब इसको 15 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। आटा गूंथने में सबसे जरूरी ध्यान रखने की बात यही है कि एक कप मैदा, मतलब 125 ग्राम मैदा में 2 टेबल स्पून तेल डाला है हमने, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल टाइट आटा है, इसको ढक कर रख देंगे। ये देखिए आटा सेट हो चुका है, इसको हमने 15 मिनट रखा था। अब इसकी लोइयां बना लेते हैं। अगर हाथ में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं। इसको ऐसे लंबा लंबा करके लोइयां काट लेंगे। इसको ऐसे दबा लेंगे। ऐसे पूरे आटे की लोइयां बना लेंगे। हम इसको बेलते हैं। इसको गोल बेल लेंगे। ये ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और बीच से पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा सा बेल लिया है, अब इसको बीच में से काट लेंगे। ये देखिए ऐसा है, इतना मोटा रहेगा। अब इसमें यहाँ पर ऐसा पानी लगाएंगे, इसको एक के ऊपर एक लाकर ऐसा चिपका देंगे। इसको अच्छे से दबा देंगे जिससे वो खुले नहीं। इसमें आलू का मसाला भरेंगे, इतना भरेंगे कि वो अच्छे से ऊपर से बंद भी हो सके। इसमें यहाँ पर भी पानी लगाएंगे। और पीछे एक ऐसा प्लेट बनाएंगे, ऐसा यूं इसको अच्छे से दबा देंगे। अब ये ऐसा पैक कर देंगे। ये समोसा रेडी है, अब और बनाएंगे। इसको बड़े समोसे बनाने के लिए थोड़ी सी बड़ी लोई ले सकते हैं। एक और बनाएंगे, इसको बीच से काट लेंगे। फिर से यहाँ पानी लगाया, इसको अच्छे से दबाना है जिससे बिल्कुल ये खुले नहीं तलते समय। आलू भर के अच्छे से पैक कर देंगे। ये एक बार फिर से देखेंगे पीछे की कैसे बनाएंगे प्लेट। ऐसा दबाएंगे और ऐसा कर देंगे जिससे वो समोसा खड़ा हो सकेगा। ऐसे समोसे बना बना कर रखते जाएंगे। जब तक समोसे बन रहे हैं
कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। तेल अच्छे से डालेंगे जिससे समोसे पूरे डूब जाए उसमें। इसको बहुत गर्म नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम में थोड़ा 5 से 7 मिनट तक गर्म करेंगे। देखिए ये समोसे बनकर तैयार हो गए हैं, अब इनको तलते हैं। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, बहुत तेज गर्म नहीं करना है। अब इसमें धीमे धीमे डालेंगे। और मीडियम फ्लेम में ही गर्म करेंगे। मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे। इनको वैसे पहले हिलाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट ऐसे ही तलने देंगे। ज्यादा तेज में डालेंगे ये ऊपर से लाल हो जाते हैं, इसलिए इनको धीमे में ही डालेंगे। अगर आटा गीला है तो उसको थोड़ा सा बनाकर, समोसे बनाकर 10 मिनट रख देंगे तो जिससे वो अच्छे से सूख जाएगा। अब ये तल रहे हैं, थोड़ी देर लगी, अब ये थोड़ी सी देर हो गई है, 2 मिनट। अब इनको पलट लेंगे। अब ऐसे ही पलट पलट के तलते रहेंगे। देखिए ये तल चुके हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इनका तेल एक्स्ट्रा होगा तो टिश्यू पेपर में रख सकते हैं। तो लीजिए तैयार है इंडिया की एवरग्रीन पसंद समोसे, बेहद क्रिस्पी और जायकेदार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपीज के साथ। स्टे हेल्दी, बाय बाय।